बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि किस तरीके के साथ जो है वो एक नॉर्मल पेशेंट, एक हाइपर डाइवर्जेंट और हाइपो डाइवर्जेंट पेशेंट, जिसको कि हम नॉर्मल हम बात करते थे कि लो एंगल और हाई एंगल फेस किस तरीके से बनता है या डेवलप करता है। जो ग्रोथ रोटेशन है, इट्स ऑल अबाउट दिस के ग्रोथ करते हुए किस तरीके से मैक्सिला या मैंडिबल रोटेट हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक के अगर मैं इसकी हम देखें कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, दोनों एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा। या सिंपल वर्ड अगर कहें कि इसकी जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है और ये हाइपर डाइवर्जेंट और हाइपो डाइवर्जेंट का जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है, इनकी शेप्स आपको दोनों डिफरेंट बिल्कुल नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो इसमें हो सर, क्या रहा? हाइपर डाइवर्जेंट और हाइपो डाइवर्जेंट का क्या फर्क है? अच्छा बेटा, हाइपर डाइवर्जेंट क्या है कि जिस तरीके से आप देखें कि सिंपल एक रोड आ रही है, ठीक है, वो दो इसमें डाइवर्ज ठीक है। पार्ट में डाइवर्ज हो रही है। तो अगर आप इस मैंडिबुलर प्लेन या गोनियल एंगल बेसिकली इसको कह रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि ये रेमस और जो बॉडी ऑफ द मैंडिबल है ये दो पार्ट्स में डाइवर्ज हो रहा है, अगर तो ये डाइवर्जेंस जो है ये अगर बहुत ज्यादा है सिस्टम तो आप इसको कह रहे हैं हाइपर डाइवर्जेंट। यानी कि जो जस्ट अ मिनट, इसमें अपनी वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के जिस तरह ठीक है सर। कैन यू सी मी नाउ, जिस तरह के अगर हाँ लोअर जी ऑफ सर। द मैंडिबल अगर बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है तो इसमें क्या हुआ कि उसको हम जी। हाइपर डाइवर्जेंट कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग फेस बनेगा। एंड हाइपर डाइवर्जेंट इज मीन कि जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है उसकी डाइवर्जेंस जो है वो ज्यादा नहीं है और रेमल और जो बॉडी ऑफ द मैंडिबल है उनके दरमियान एंगल है वो कम है, तो दिस कॉल हाइपो डाइवर्जेंट। एक्यूट एंगल है, एक्यूट है ज्यादा। जी बिल्कुल, ठीक है, जिससे कि अगर आप हाई एंगल ठीक है के सर। लॉन्ग फेस सिंड्रोम, लॉन्ग फेस सिंड्रोम इज यू कैन सी माय स्लाइड, ठीक जी सर, नजर है, तो आ रही। दो टाइप्स के फेस में अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो एक है लो एंगल पेशेंट। लो एंगल पेशेंट क्या है कि जिसमें के फेस की जो लोअर फेशियल हाइट जो है वो ज्यादा नहीं होती और कम होती है। इफ द लोअर फेशियल हाइट लेस और डिक्रीज देन विल बी कॉल्ड एज अ लो एंगल पेशेंट और अ हाइपो डाइवर्जेंट। हाइपो डाइवर्जेंट मीन कि जो लोअर बॉर्डर है वो उसका डाइवर्ज होके लॉन्ग फेस में कन्वर्ट नहीं किया। इसके मुकाबले में दूसरे टाइप के जो पेशेंट थे वो लॉन्ग फेस पेशेंट हैं, जिसको कि हम लॉन्ग फेस सिंड्रोम के नाम से भी कहते हैं, और हाइपर डाइवर्जेंट है। सो टुडेस टुमारोज टॉपिक वुड बी कि किस तरीके के साथ जो है वो क्या ऐसा होता है मैक्सिलर मैंडिबल के रोटेशन के दरमियान कि एक हाई एंगल लो एंगल पेशेंट जो है वो डेवलप हो रहा होता है। बेसिकली मैक्सिलर मैंडिबल जो है वो इट्स नॉट लाइक ग्रोइंग के जिस तरह आप किसी बैलून में हवा भर दी गई। इसका एक टिपिकल स्टाइल या पैटर्न ऑफ दी जो है वो ग्रोथ है कि किस ए सर्टेन एरिया पर रिजॉर्प्शन हो रही होती है, सर्टेन एरिया के ऊपर डेपोजिशन हो रही होती है। तो होगा क्या कि जब ये ग्रो कर रहा होगा तो ड्यू टू द रिजॉर्प्शन एंड डेपोजिशन इसकी शेप और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके से चेंज हो गए कि अपेरेंटली इट वुड बी लुकिंग लाइक कि यहाँ पर थोड़ी सी रोटेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम इस स्लाइड पे आते हैं तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल एंगल, ठीक है ना। अगर ये ग्रो करते हुए एक इस टाइप की ग्रोथ होती है कि इसकी फेस हाइट इंक्रीज हो रही है, या सिंपल वर्ड में कहें कि अगर इसकी एंटीरियर फेस हाइट, ये दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर, जो एंटीरियर पार्ट से बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस इज इंक्रीजिंग मोर देन दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेस, दिस पोस्टीरियर पोस्टीरियर फेस के मुकाबले में अगर एंटीरियर फेस ज्यादा है तो हम इसको आपको क्या अनम इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है कि जिससे कि इसके एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस की जो है वो लेंथ इंक्रीज हो रही है और दूसरे टाइप की ग्रोथ इस तरीके से हो रही है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस की जो लेंथ है वो रिलेटिवली और इन कंपेरिजन टू हाँ, दिस। इसमें ये होगा कि फिर वो मैंडिबल छोटा होगा, जिसकी वजह से वो फेस बड़ा लगेगा, ऐसे ही जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब के जो वो हाँ रिलेटिव है। जी, आप मैंडिबल कहना चाहिए, रेमस कहना चाह रही हैं, हाँ जी जी रेमस जी कहना चाह रही हैं ना आप, कि रेमस जो है वो जी उसकी सर जी। उसकी जो हाइट है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस, तो होगा कि फेस जो है वो चौकोर या स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ठीक है।
ये जो स्क्वेरिश फेस है इसकी वजह से, क्योंकि सारे टीथ इसके साथ में अटैच हैं, तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये ग्रो करता जा रहा है, ये साथ दो टाइप की रोटेशन जो है वो डेवलप हुई। वन टाइप ऑफ रोटेशन इसके जिसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस इज इंक्रीजिंग मोर रिलेटिवली और रिस्पेक्टिवली टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर स्कल, या जो हम इसे कह रहे हैं कि जी पोस्टीरियर फेस हाइट। पोस्टीरियर फेस हाइट जो है वो हम आप समझ लें कि आप ये रेमल एरिया ये टाइप की होती है। मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता, वो आपको सेफ पढ़ाएंगे तो डिटेल में देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस इज इंक्रीजिंग मोर रिलेटिव टू द पोस्टीरियर पार्ट, तो इसको हम कहेंगे कि जी ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन है। डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन कैसे, कि ये एरिया जो है फॉर एग्जांपल अगर हम चिन को कंसीडर करते हैं, चिन का ये पॉइंट जो है, अगर तो ये ग्रो करते के साथ साथ जो है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेट करता जा रहा है, देखिए ना। तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन, अगर मैं इसकी एनिमेशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक सो द अदर टाइप इज कि जिसमें के जो चिन का पॉइंट है वो विद द ग्रोथ एंड विद द रोटेशन ऑफ विद द ग्रोथ रोटेशन के दिस पार्ट इज मूविंग एंड गोइंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा कि ये हाइपोडाइवर्जेंट बन जाएगा। सिंपल अभी तक हमने सिर्फ दो बातें की हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फेसेस। लॉन्ग फेस जिसके अपने टेक्निकल फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स आप देख सकते हैं कि हाइपरडाइवर्जेंट फेस होगा, मैक्सिलरी हाइपरप्लेसिया होगा, वर्टिकल एक्सेस होगा, और लॉन्ग फेस होगा। दूसरे टाइप का फेस है लॉन्ग, और ये दो टाइप के रोटेशंस की वजह से होता है। अब हम आते हैं कि ये किस तरीके से क्या हो रहा होता है कि ये लॉन्ग फेस या शॉर्ट फेस बनता है। बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी मैंडिबल या मैक्सिला को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है उसका कोर पार्ट और दूसरा जो है उसकी सरफेस वाला पार्ट। कोर पार्ट क्या है, जो उस बॉडी के बिल्कुल अंदर का एरिया जो है। फॉर एग्जांपल अगर मैंडिबल की हम बात करते हैं तो कोर इज अराउंड, तो पैलेट वाला एरिया, यस, पैलेट वाला एरिया फॉर द मैक्सिला, मैक्सिला में पैलेट वाला एरिया। और मैंडिबल में जो है वो एरिया होगा जो कि बिल्कुल इंफीरियर एल्वियोलर नर्व के अराउंड होगा। क्यों हमने कोर में या इसमें डिवाइड किया, देखो बेटा इसके कुछ ना फंक्शनल प्रोसेसेस। फंक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एज एज वी डिस्कस इन द क्लास के फंक्शन डिटरमिन्स द मॉर्फोलॉजी। किसी चीज की अगर किसी मसल्स की या किसी पर्टिकुलर मसल्स वगैरह की आप फंक्शन चेंज कर देते हैं तो इट विल डेफिनेटली वुड बी अफेक्टिंग ऑन द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैक्सिलर मैंडिबल में देखें तो आपको पता है कि यहाँ कौन सा मसल अटैच हो रहा होता है, इस जगह पे कौन सा मसल अटैच हो रहा है, एक खास मसल होता है जो इन जगहों पे अटैच हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन मसल्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने की सूरत में, ठीक है, इन मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होने की सूरत में इनकी शेप और इन फंक्शनल प्रोसेसेस की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो According to functional matrix theory, यस एग्जैक्टली जी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैट्रिक्स थ्योरी। तो ठीक अब हुआ क्या कि हमने अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि हमने मैक्सिलर और मैंडिबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वो पार्ट जिनके ऊपर के ऊपर मसल्स अटैच हो रहे हैं और उनकी शेप चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। द अदर पार्ट इज दिस के वो कोर है, पार्ट है, और वो कोर पार्ट की एक्टिविटी जो है वो किसी भी मसल्स की एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होगी, उसकी शेप जो है उसे चेंज नहीं होगी। अब हम ये आते हैं कि ठीक अगर वो ग्रो कर रहा है तो रोटेट अगर कर रहा है तो हम इसको कैसे पता चलेगा कि वो रोटेशन कैसे हो रही है, मतलब हो रही है या नहीं हो रही। तो इसकी स्टडी करने के लिए एक बड़ी क्लासिकल स्टडी कंडक्ट की गई, वो थी बायॉर्क की स्टडी। बायॉर्क ने क्या किया कि मेटल की पिंस इंसर्ट की डिफरेंट एरियाज के ऊपर, ठीक है, उन और ये उसने पिंस इंसर्ट किया। अगर तो देखो बेटा वो फंक्शनल प्रोसेसेस के ऊपर वो पिंस लगाते तो उससे तो उसको इतने अच्छा तरीके से इसलिए ना पता चलता क्योंकि जो फंक्शनल प्रोसेसेस हैं इनकी शेप और मॉर्फोलॉजी तो बड़े आराम से चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो बायोक ने क्या किया कि उसने जो पिंस लगाई वो बिल्कुल कोर एरियाज में लगाई, कोर एरिया में लगाने इनएक्टिव एरिया, जी एग्जैक्टली ठीक फंक्शनली एक इनएक्टिव एरिया के इस जगह पे लगाने का उसको फायदा क्या है। होगा कि इस जगह की रोटेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, गॉट इट, ठीक है। अभी तक दो बातें मैंने की हैं कि दो एरियाज में डिवाइड किया, एक कोर एरिया
जिसके ऊपर कोई मसल्स अटैच नहीं, और दूसरे उसके डिफरेंट फंक्शनल प्रोसेस, एक है कंडाइलर प्रोसेस, एक कंडाइलर प्रोसेस, बाकी एरियाज जो उसके ऊपर, ठीक है। तो कोर के ऊपर जो है उस पिंस लगाई, मेटल पिंस इंसर्ट की और पेशेंट को लगा के उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब कई साल गुजरे, कई साल के बाद उसने दोबारा लेटरल सेफ और वो एक्सरेस करवा के देखे। जब उसने प्री ऑप और पोस्ट ऑप एक्सरेस करवाए डिफरेंट कई सालों के बाद, तो उसने देखा कि इस जो मैंडिबल या मैक्सिला जो है वो ग्रोथ के साथ साथ रोटेट हुए हैं, ठीक है। ये उसको कैसे पता चला? ये उसको पता चला बाय सुपर इम्पोजिशन, कि उसने जो है वो उन एक्सरेस को रोटेट किस डायरेक्शन में, अच्छा रोटेट किस डायरेक्शन में, दो से डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल हैं। एक वो डायरेक्शन जिसमें कि डाउनवर्ड या बैकवर्ड आए, फॉर एग्जांपल जिस तरह की ये चेन है, ठीक है, ये ग्रो करते हुए, एक दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ग्रो करते हुए। अच्छा यहाँ पे अगर आप क्या देख सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन देख सकते हैं। एक पहले एक्सरे कराया और दूसरा एक्सरे उसने कई साल के बाद करवाया वही लेटरल से, तो वो एरियाज स्कल का जो ग्रो नहीं करता, जैसे कि हमने कुछ डिसाइड किए थे एरियाज के, वो जो एरियाज ग्रो नहीं करते वहां पर उसने क्या किया, पिंच लगाएं। नहीं वो वहां पर उसने उन दोनों एक्सरेस को ऊपर नीचे रख के देखा। तो इन पिंस के साथ हमें ये पता चला कि मैंडिबल किस तरीके से रोटेट हुआ, या तो दो दो पॉसिबिलिटी थी कि कुछ पेशेंट्स में जिनके लॉन्ग फेस बने कि उसमें वो मैंडिबल डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेट करता जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि पॉइंट जो है वो ज्यादा लंबाई की तरफ चला जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसको उन्होंने नॉमनक्लेचर ऐसे दिया कि जो डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है उसको उन्होंने दिया पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मैंडिबल इस तरीके से ग्रो कर रहा है कि वो उसका चिन पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड और बैकवर्ड रोटेशन से अच्छा लॉन्ग फेस बनेगा। जी एग्जैक्टली अच्छा आप खुद सोचे ना, क्योंकि इसकी ठीक है। शेप इस तरीके से है कि जब भी अगर डाउनवर्ड जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड जाएगा। तो अगर हम सिंपल और दो हाइपर डाइवर्जेंट बनेगा ना। और हाइपर डाइवर्जेंट बनेगा। लॉन्ग फेस इज बेसिकली ठीक हाइपर है। डाइवर्जेंट, और हाइपर डाइवर्जेंट बनेगा पॉजिटिव रोटेशन। पॉजिटिव रोटेशन इज इक्वल डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया इसमें, अब ये याद ठीक। नहीं रखिए नहीं सर, हो समझ आ गई। ठीक समझ है आके कि जी सर। डाउनवर्ड, अच्छा, इसमें ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल सी बात है, जब भी डाउनवर्ड रोटेशन होगी वो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रोटेशन होगी, क्योंकि कॉन्डाइल के अराउंड घूम रहे हैं ना, तो डाउनवर्ड और चेन जो है वो डाउनवर्ड या बैकवर्ड जाएगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी है अपवर्ड, अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखें तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। ठीक है, या डाउनवर्ड बैकवर्ड जाएगा तो उसने नाम दिया पॉजिटिव रोटेशन, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आएगा तो उसको उसने, अच्छा देखो ना कितने डिग्री चेंज हुआ, लेट से मैं कहता हूँ -10 डिग्री, तो माइनस का मतलब यह है कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड किया, ठीक है, प्लस माइनस के निशान के साथ उसने वो ये डिसाइड किया कि पॉजिटिव हुई या। थोड़ी सी ना नॉइस कंट्रोल करें आप, आपकी ना हैंड फ्री से बहुत नॉइस आ रही है, हैंड फ्री को थोड़ा ठीक कंट्रोल है करें, सर। ठीक है। तो ठीक है सर। अब ठीक है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड में क्या हुआ कि लेट्स से अगर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन हुई 10 डिग्री की, तो सिंपल प्लस माइनस के निशान के साथ तो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर -10 डिग्री है तो इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो -10 डिग्री जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ गया। +10 डिग्री का मतलब क्या है कि वो डाउनवर्ड बैकवर्ड जो है वो, प्लस डिग्री का मतलब है कि डाउनवर्ड बैकवर्ड, वो प्लस का मतलब है कि वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड गया सिंपल, और वो 10 डिग्री है, ठीक ठीक है। है। सो फॉर क्लियर। अच्छा दो अभी तक हमने बातें की कि एक होती है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्या है, जो कि कोर के अंदर हो रही है, ठीक है। ठीक है। दिस रोटेशन इज के कोर का, आपको समझ आ गया कि वो जैसे मैंडिबल में एरिया था जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के अराउंड था। और दूसरी बात मैंने ये की कि पॉजिटिव रोटेशन का मतलब है कि जिसमें कि चेन जो है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी, नेगेटिव का मतलब है कि वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब ये मैंडिबल को देखिए इस जगह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल, सिंपल ड्रॉ करने के हिसाब से। तो दिस इज द बैकवर्ड एंड
downward and this is the upward and forward. Downward rotation. So the, if this core of the mandible is rotating in a way कि वो upward and forward जा रहा है, तो यहाँ से वो downward जा रहा है. If you can see my hand, this is the core of the mandible. If the if in most of the patient, जितने भी normal growth हो रही है, mandible में जो है वो negative rotation होती है. Negative rotation का मतलब क्या है? जैसे जैसे growth होती जा रही है, patient जो है वो ज़्यादा square face की तरफ जा रहा है. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रोटेशन है ना, नेगेटिव रोटेशन का मतलब है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो इफ दिस इफ यू कैन सी माय हैंड, तो देयर इज द नेगेटिव रोटेशन मींस कि द कोर इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोर मूविंग डाउनवर्ड. सो द पेशेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्क्वेयर फेस विद द ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल. गॉट इट? सो दिस रोटेशन ऑफ the mandible in the core, got it? This position of the mandible in the core, 99.9% if there is no pathology, तो most of the time जो है वो negative rotation ही होती है. Negative rotation क्या होती है अनम? सही, negative rotation होगी जिसमें upward और forward move करेगा mandible और short face और उसको बनेगा. सही पूछे सही कि bone deposition कहाँ पे हो रही है, किस तरफ हो रही है bone deposition? जी 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 बिल्कुल. बोन डेपोजिशन ऐसे हो रही है कि जो मैंडिबल का पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो ना, रोटेट अगर ये कोर जो है ये रोटेट कर रहा है कि जिसमें ये पार्ट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव रोटेशन होती है, इस पार्ट के ऊपर बोन डेपोजिशन होगी ना गोनियल एरिया के ऊपर पोस्टीरियर पार्ट पे, तभी तो वो स्क्वायर फेस बनेगा. जैसे कि अगर हम इस फेस के ऊपर आए, ये स्क्वायर फेस जो है वो कैसे बना कि यहाँ पर जो है नेगेटिव रोटेशन हो रही है और इस जगह के ऊपर जो है वो बोन डेपोजिशन हो रही है. तो क्या बना बेसिकली, अगर जो है अगर सिंपल वर्ड्स में एक और तरीके से डिस्क्राइब करें तो नेगेटिव या पॉजिटिव रोटेशन डिपेंड करती है कि एंटीरियर फेस हाइट ज्यादा बढ़ रही है या पोस्टीरियर फेस हाइट ज्यादा बढ़ रही है. यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, अगर बोन डेपोजिशन होगी तो पोस्टीरियर फेस हाइट ज्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से जो है वो नेगेटिव रोटेशन हो रही है. अब अगली बात के ऊपर आते हैं कि इंटरनल रोटेशन क्या है कि जो कि कोर ऑफ द मैंडिबल के ऊपर हो रही है और वो मास्क हो रही होती है बाय द सरफेस चेंजेस, और उन सरफेस चेंजेस की वजह से जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन बन रही होती है. ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कैसे हो रही है कि बाय द रिमॉडलिंग जो हमें नजर आती है, जो हमें फेशियल एक्सप्रेशंस से नजर आती अच्छा, है, बाहर से नजर आती है, उसको एक्सटर्नल रोटेशन देते हैं. अच्छा नहीं, वो आप अगले पॉइंट पर चले गए. तो ये लाइन जरा समझाएं कि मास्क बाय सरफेस चेंजेस इसका क्या मतलब है. ओके, ये है कि देखो बेटा, इंटरनल रोटेशन जो हुई वो इस जगह के ऊपर इंटरनल कोर के ऊपर जो है वो रोटेट किया. ठीक है ना, कोर रोटेशन ऐसे हुई कि ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया, तो यहाँ पर जो है गोनियल एरिया के ऊपर जो है वो डेपोजिशन हो गई. ठीक है, अब ये हो गई इंटरनल रोटेशन. इंटरनल रोटेशन क्या हुआ कि पूरा का पूरा कोर जो है वो आगे की तरफ ऊपर चला गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ गया, तो इसके साथ आपका स्क्वायर फेस बन गया. अब सरफेस चेंजेस क्या हो रही है कि लेट से कि इस जगह के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये फेस बन गया. ठीक है ना, ये फेस बन गया, और उसके बाद सरफेस चेंजेस कैसे होने हुए कि जो रिमॉडलिंग का पैटर्न ऐसे स्टार्ट हुआ कि एंटीरियर एरिया को उसने बिल्कुल बख्श दिया और छोड़ दिया और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल के ऊपर जो है वो रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गई. दिस रिजॉर्प्शन तो हाइपर, हां दिस रिजॉर्प्शन इज चेंजिंग द शेप ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, पहले क्या हुआ था वो बिल्कुल कोर के अंदर, जहां कोर के अंदर जो है वो रोटेट किया था, उसके बाद उस कोर की रोटेशन ने उसको बिल्कुल स्क्वायर फेस बना दिया, यानी कि फॉरवर्ड रोटेशन हुई थी. अब सरफेस चेंजेस क्या हुई, सरफेस चेंजेस की वजह से जो शेप में चेंज आना शुरू हो गई वो उसको उन्होंने नाम दिया एक्सटर्नल रोटेशन का. एक्सटर्नल रोटेशन इज बाय द रिजॉर्प्शन और डेपोजिशन ओवर द सरफेस ऑफ द मैक्सिलर मैंडिबल. गॉट इट? यानी कि अगर मैंडिबल के लोअर बॉर्डर के ऊपर जो है वो रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गई तो उसकी वजह से भी तो शेप चेंज हो जाएगी ना. सिंपल मैंने दो एक शेप चेंज हुई ड्यू टू द रोटेशन इन द कोर. ठीक
ठीक है, वो कोर के अंदर जो है कोर ऑफ द मैंडिबल में रोटेट हुई, दूसरी उसकी शेप हुई कि उसके पोस्टीरियर एरिया पर रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है या उसके एंटीरियर एरिया पर रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसका नॉर्मल इसमें होता है, वो क्या होता है कि जो है वो आपका नेगेटिव रोटेशन हुई और मैंडिबल कोर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया, उससे आपका क्या होगा कि पोस्टीरियर फिक्स साइड जो है वो इंक्रीज हो गई जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस पोस्टीरियर. लेकिन उसके बाद अगर सरफेस चेंजेस ऐसी होना शुरू हुई कि सरफेस चेंज सरफेस रिजॉर्प्शन एंड डेपोजिशन, उसकी वजह से सरफेस चेंजेस की वजह से जो रिजॉर्प्शन आएगी या जो चेंज आएगी इन द शेप ऑफ द मैंडिबल दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन. रोटेशन का वर्ड उन्होंने यूज इसलिए किया कि ये चेंजेस जो है ये एक तरह से अपेरेंटली लगेगा जैसे मैक्सिलर मैंडिबल रोटेट कर रहा है. क्यों रोटेट कर रहा है, देखो बेटा ठीक यहाँ पर अगर जो है वो रिजॉर्प्शन ज्यादा हो गई और इस एरिया पे रिजॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो हुआ क्या कि जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये एंटीरियर एरिया रोटेट करके डाउनवर्ड बैकवर्ड आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजॉर्प्शन ओवर दिस एरिया. गॉट इट? सो मूविंग ऑन कि दो टाइप के रोटेशन है, एक है कोर के अंदर कोर ऑफ द जॉ में, दूसरी जो है वो है दूसरी इज बाय द सरफेस चेंजेस और वो एक्सटर्नल रोटेशन, और उसको एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कहेंगे. ठीक हो गया? और ठीक है, उसके बाद जो है वो टोटल रोटेशन का कॉन्सेप्ट है. टोटल रोटेशन मींस के क्रेनियल बेस के हिसाब हम, अब टोटल रोटेशन का मतलब यह है कि हमें अपेरेंटली क्या नजर आएगा, टोटल आउटकम उसका क्या होगा. टोटल आउटकम मींस के एक पेशेंट में इंटरनल रोटेशन भी हो रही है जो कि उसके कोर ऑफ द मैंडिबल में हो रही है, और दूसरी उसके सरफेस पे चेंजेस हो रही है कि उसके पोस्टीरियर एरिया पर रिजॉर्प्शन हो रही है या डेपोजिशन हो रही है या एंटीरियर एरिया बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा गया या उस पर क्या चेंजेस आ रही है. तो टोटल आउटकम जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, टोटल आउटकम हमें ऐसे पता चलेगा कि उसका फेस लंबा है, लॉन्ग फेस है या शॉर्ट फेस है, सिंपल. ठीक है ना? तो यानी कि अगर एक पेशेंट में -15 degree की इंटरनल रोटेशन हुई, मतलब कि उसका कोर ऑफ द मैंडिबल है वो -15 degree अपवर्ड एंड फॉरवर्ड गया, तो और उसकी जो एक्सटर्नल रोटेशन है हुई वो +10 degree हुई. +10 degree का मतलब क्या है कि उसके गोनियल एरिया के ऊपर जो है वो रिजॉर्प्शन ज्यादा हुई, जिसकी वजह से जो इंटरनल रोटेशन की वजह से स्क्वायर शेप, तो +5 आउटकम होगा हमारा, +5 जो होगा वो आउटकम होगा, -5 आउटकम होगा. -15 में से +10 गया ना, तो रफली देखो जिस पेशेंट में लॉन्ग फेस है, जिस पेशेंट में लॉन्ग फेस है उसमें जो है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिस पेशेंट में लॉन्ग फेस है उसमें जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हुई है और वो इंटरनल रोटेशन इज टोटली मास्क्ड बाय द एक्सटर्नल रोटेशन. गॉट इट? अच्छा ठीक है, कैन यू रिपीट इट, कि जिस पेशेंट में लॉन्ग फेस है, लॉन्ग फेसेस में इंटरनल रोटेशन ज्यादा हुई और एक्सटर्नल रोटेशन इज मास्क्ड बाय द इंटरनल रोटेशन. नहीं, मैं आप थोड़ा सा गलत बोल गए. देखो बेटा, जिसमें आपकी लॉन्ग फेस है, लॉन्ग फेस क्यों हुआ, ये पहले तो हुआ इंटरनल रोटेशन के जिसमें मैंडिबल या चिन पॉइंट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड गया. ठीक है ना? अब वो बहुत कम गया क्योंकि अगर इंटरनल रोटेशन या माइनस या फॉरवर्ड रोटेशन हो तो उससे फेस बनेगा स्क्वायर. ठीक है ना? अब उसको कंपनसेट करने के लिए जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है जिसमें के पोस्टीरियर एरिया के ऊपर रिजॉर्प्शन हो रही है और एंटीरियर एरिया पर रिजॉर्प्शन नहीं हो रही. तो हुआ यह कि इसकी जितनी भी इंटरनल रोटेशन हुई थी जिसकी वजह से अपवर्ड एंड फॉरवर्ड गया था, उससे कहीं ज्यादा उसकी एक्सटर्नल रोटेशन हो गई. ठीक है, यू गॉट द कॉन्सेप्ट? जी सर. ठीक है, यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि जितनी इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर सकते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं और एड ऑन भी कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. पर मैं ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग, अच्छा जो जो शॉर्ट फेस पेशेंट हैं वो कैसे डेवलप हुए. शॉर्ट फेस में क्या होगा कि देयर वुड बी, अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ जॉ और
यानी कि फॉरवर्ड रोटेशन होगी हाइपोडाइवर्जेंट होगा और उसकी होगा। एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बहुत कम होगी. गॉट इट? ठीक है। अगर आपको शॉर्ट फेज का समझ आ गया तो उसको आप रिवर्स कर लेंगे कि उसमें सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट फेज है तो उसकी लोअर फेशियल हाइट जो है वो कम है, उसके अंदर इंटरनल रोटेशन जो है वो ज्यादा हुई, माइनस रोटेशन ज्यादा हुई और उसकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बहुत कम हुई, जिसकी वजह से वो स्क्वायर फेस बन गया. और डेफिनेटली स्क्वायर फेस बनने की वजह से उसकी डीप बाइट क्या, देखो जैसे 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 जॉ मूव करेगा, जैसे जैसे जॉ चेंज करेगा वैसे वैसे उसके साथ साथ टीथ भी अटैच हैं, तो वो अपनी पोजीशन भी चेंज करेंगे. ठीक हो गई बात. और इसके मुकाबले में जो लॉन्ग फेस है, वो लॉन्ग फेस कैसे बना कि देर हैव एन एक्सेसिव लोअर फेशियल हाइट, लोअर फेशियल हाइट एक्सेसिव ऐसे हुई कि देर इज माइल्ड इंटरनल रोटेशन बट देर इज एक्सेसिव और बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन हुई हुई है. एक्सटर्नल रोटेशन क्या है कि जिसमें कि वो डाउनवर्ड या बैकवर्ड लेके जा रहा है और जितनी भी उसके ऊपर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड लेके गई थी कोर ऑफ द मैंडिबल, वो सरफेस चेंजेस ने उसको बिल्कुल मास्क कर दिया और उसको पीछे की तरफ ले आया. ठीक है. ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो ऑक्लूजन होगी वो ओपन बाइट होगी। जी बिल्कुल, ओपन बाइट की तरफ लॉन्ग फेस में इसलिए जाना शुरू कर देगी क्योंकि वो जॉ और टीथ के साथ ही लेके पीछे पीछे जाना शुरू हो जाएंगे. ठीक हो गई बात. तो अब हम आ ठीक जाते हैं कि मैक्सिला के ऊपर. मैक्सिला में ये है कि जितनी इंटरनल रोटेशन होती है ऑलमोस्ट उतनी ही एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अपने इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देते कैंसिल। हैं. वही सेम स्ट्रेटेजी वो होगी कि माइनस का मतलब क्या है, यानी कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. जैसे ये पैरेटल प्लेन है, कैन यू सी माई हैंड, इफ देयर इज अ पैरेटल प्लेन तो क्या जी हुआ सर। कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ऊपर की तरफ किया और टिप डाउन हो गए पैरेटल प्लेन, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट है वो नीचे की तरफ चला गया और जो अपर पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला गया. और डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन क्या है कि एंटीरियर पार्ट नीचे की तरफ आएगा और पैरेटल पार्ट ऊपर की तरफ चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नॉर्मली मैक्सिलर मैंडिबल में अपवर्ड रोटेशन हो रही होती है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड यानी नेगेटिव रोटेशन है, तो नेगेटिव रोटेशन की वजह से पैरेटल प्लेन जो है वो तरह ऊपर की तरफ चला गया. बट इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर्स कि उसमें क्या हो रहा था कि जो पैलेटल प्लेन में नेजल साइड की तरफ से रिजॉर्प्शन हो रही होती है और पैलेट के ऊपर डेपोजिशन हो रही होती है, तो वो देखो ना कैंसल आउट कर गया. जैसे कि पैलेटल प्लेन है वो ऊपर की तरफ गया नेगेटिव रोटेशन की वजह से, लेकिन नेजल साइड पर उसकी रिजॉर्प्शन हो गई, पैलेटल साइड पर डेपोजिशन हो गई, तो वो सरफेस चेंजेस आपस में कैंसल आउट हो गए. ठीक हो गया. और जिस तरह ठीक है सर। मैंडिबल के डिफरेंट फंक्शनल प्रोसेसेस है, मैक्सिला के ऐसा नहीं है, सिर्फ नेजल कैविटी ही के साथ हो सकते हैं और उसमें ये चेंजेस आई. अब बिल्कुल लास्ट 5 मिनट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इंटरेक्शन बिटवीन द जॉ रोटेशन एंड प्रोप्रोशन. सिंपल अगर हम मैक्सिला के कॉन्सेप्ट से लेते हैं, इफ देयर इज अ पैलेटल पेन एंड देयर इज अ मैक्सिला, दिस इज होल्डिंग द टीथ, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन होगी तो आप सिंपल देखो कि ये टीथ उसके साथ अटैच है तो ये ऑटोमेटिकली प्रोमिनेंट हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेंट्रलाइजर्स, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन की वजह से ये ऑटोमेटिकली प्रोमिनेंट होगा और डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन की वजह प्रोक्लाइनेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द मैक्सिलरी प्लेन की वजह से वो टीथ प्रोक्लाइन आपको होना शुरू हो गए और डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन की वजह से वही टीथ जो है वो आपको रेट्रोक्लाइन लगना शुरू हो जाएंगे. सिमिलरली सेम रूल अप्लाई टू द मैंडिबल. जब मैंडिबल में वो टीथ अटैच है, अगर वो टीथ डाउनवर्ड या डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, टीथ जो है वो अगर मैंडिबल डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है तो उसके साथ क्या होगा कि वो लोअर इंसाइजर्स जो है तो वो वो ज्यादा, रेड प्रोक्लाइनेशन होंगी। हाँ जी, प्रोक्लिनेशन अपेरेंटली होगी, प्रोक्लिनेशन होगी. और अगर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा है तो वही इंसाइजर्स जो है वो रिट्रोक्लाइन या अपराइट हो जाएंगे. रिट्रोक्लाइन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी जॉ की शेप इस तरीके से है कि वो हम कहेंगे कि लोअर इंसाइजर्स आर अपराइट विद द फॉरवर्ड रोटेशन, विद ठीक द है। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन. और विद द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन द टीथ, द लोअर टीथ वुड गेट प्रोक्लाइन. अब आप इमेजिन करेंगे, देखो कि जब डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन होगी तो वो लोअर लेबियल सेगमेंट जो है वो थ्रस्ट या बिल्कुल ज्यादा इंट्रैक्शन में चले जाएगा लोअर लिप के, का प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा. सी द पिक्चर. इस पिक्चर में देखें अगर वो डाउनवर्ड या बैकवर्ड जाता है तो लोअर इंसाइजर्स ज्यादा लिप के करीब चले जाएंगे, ज्यादा लिप का प्रेशर होगा तो वो टीथ रिट्रोक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे और क्राउडिंग डेवलप हो जाएगी.
बात समझ आई? देखो बेटा कि वो टीथ जो है वो ठीक है सर, डाउनवर्ड बैकवर्ड जाने की वजह से ज्यादा लिप की तरफ जाना शुरू हो गए, ज्यादा लिप में घुसना शुरू हो गए और लिप का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ेगा, लिप का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्राउडिंग आना शुरू हो जाएगी ठीक है। और इसी तरह मतलब क्राउडिंग दोनों सिचुएशन में आएगी। और इसके वाइस वर्सा अगर मैंडिबल जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आता है तो वो टीथ अपराइट हुए और लोअर मोलर जो है वो उसका आगे की तरफ आ जाएगा और उससे उसकी आर्च में जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, इस वजह से भी क्राउडिंग हो जाएगी। ये मैं मॉडल के ऊपर कल क्लास में भी समझाऊंगा कि जो सर अपवर्ड के अंदर जब मतलब पीछे को थोड़ा जाएंगे तो फिर पीछे से फोर्स नहीं आएगी टंग की तरफ से उस केस में। पहले केस देखो में जब डाउनवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहा था तो प्रोक्लिनेशन हो रही थी और लिप से फोर्स जा रही थी दांतों पे, जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब वो पीछे जाएगा तो फिर टंग से फोर्स नहीं आएगी आगे की तरफ, अच्छा आपने बड़ा सा सवाल किया। अच्छा ऐसा तो नहीं उस होगा। केस में स्पेसिंग होगी। अच्छा नहीं अच्छा एग्जैक्टली ऐसा नहीं, नहीं नहीं होगा। आपने आपने ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या है कि शेप ऑफ द मैंडिबल इज लाइक दिस के जब वो डाउनवर्ड या बैकवर्ड जाएगा तब तो वो थ्रस्ट कर रहा है लोअर लिप के अंदर, लेकिन जब वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आ रहा है तो लोअर इंसाइसेस जस्ट अपराइट हो रहे हैं, वो रिट्रोक्लाइन नहीं हो रहे, वो टंग की स्पेस में नहीं जा रहे। ठीक आप जरा दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, कि अगर वो ठीक अपवर्ड एंड है फॉरवर्ड आ रहे हैं तो वो रिट्रोक्लाइन होने की शेप, मतलब देखो पूरा मैंडिबल है थोड़ी घूम जाना है, वो तो ये है कि जितना भी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आया तो वो इंसाइजर्स जस्ट अपराइट हुए हैं, रिट्रोक्लाइन नहीं हुए। और अपराइट होने की वजह से सिंपल वर्ड याद रखो कि दोनों सिचुएशन में क्राउडिंग होगी, डाउनवर्ड बैकवर्ड जाएगा तो लोअर लिप में जाएगा तो उससे क्राउडिंग होगी, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आएगा तो लोअर इंसाइजर्स सिर्फ अपराइट होंगे और लोअर मोलर जो है वो ज्यादा मिजलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्राउडिंग कैसे हो रही है, क्योंकि आर्च लेंथ जो है जो एक मोलर से दूसरे मोलर तक की स्पेस है जिसके अंदर सारे टीथ ने अकोमोडेट होना, तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ठीक और ये इसमें दो बातें इसमें ये थी कि जैसे ओपन बाइट है इस केस में क्या हुआ होगा, इफ यू कैन क्विकली रिकॉल, इस पेशेंट में इंटरनल रोटेशन जो है वो कम हुई, माइल इंटरनल रोटेशन हो गया और हाँ, मैसिव एक्सटर्नल रोटेशन। जिसकी वजह से गोनियल एंगल के ऊपर ज्यादा रिजॉर्प्शन हुई और टीथ जो है वो सारे डाउनवर्ड बैकवर्ड गए और ओपन बाइट डेवलप हो गए, और दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या था कि जॉ की मूवमेंट के साथ टूथ की मूवमेंट, इस ट्रांसलोकेशन एंड ट्रू अरप्शन इज के वो जॉ अपनी जगह पे स्टेबल है और टूथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है या आगे पीछे, वो दैट इज द ट्रू अरप्शन और ट्रू टूथ मूवमेंट, एंड ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ द टूथ अलोंग विद द जॉ एंड अलोंग विद द बोन। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हुई, इंटरनल रोटेशन कम हुई और ओपन बाइट डेवलप हो गई, वाइस वर्सा बिल्कुल इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होगी दूसरे केस में, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, आपने कहा था लॉन्ग फेस सिंड्रोम है, तो इसको सिंड्रोम क्यों कहा था? अच्छा बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद सो मेनी फीचर्स, सिंड्रोम में क्या होता है, वर्ड सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद के सो मेनी सिमिलर फीचर्स, मतलब एक अ सेट ऑफ डिजीज, अ सेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो आपको मिलेंगे। लॉन्ग फेस में क्या है कि लोअर फेशियल हाइट इंक्रीज होगी, ओवर बाइट आपकी कम मिलेगी, मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया मिलेगा, नोज मॉर्फोलॉजी एक सर्टन शेप की होगी, पैरानिसल डेफिशिएंसी आपको मिलेगी और पूरा मतलब लोअर फेशियल हाइट जो है, लोअर फेशियल हाइट विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द फेस वो आपको ज्यादा इंक्रीज मिलेगी। तो वर्ड सिंड्रोम इज यूज बिकॉज सो मेनी सिमिलर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद सिंगल डिजीज, ठीक ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? है सर। चलें, नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, चलिए जी। थैंक यू, सी यू टुमारो इन द थैंक क्लास, यू, लाइक बाय बाय। वाइज।